आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। अब तक के अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए आज बात करेंगे ड्रग की। आपको बता दें कि आजकल नशा का मामला बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है, जिसकी रोकथाम में हमारी प्रशासन कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये रैकेट दिन ब दिन परवान चढ़ता जा रहा है। आज इसमें ज़्यादातर कम उम्र के बच्चे और जवान मुलविस होते जा रहे हैं। वो नौजवान बच्चे जिन्हें आसानी से पैसा कमाने की आदत हो चुकी है और कम उम्र में ज़्यादा पैसा मिल जाने से इनकी ख्वाहिशात भी बढ़ रही है। आखिर कौन है ये नशे का कारोबार करने वाले लोग, कहां से आती है ये ड्रग, तो आइए हम इस पर एक नज़र डालते हैं। पिछले दिनों गुजरात बॉर्डर से एटीएस ने 600 करोड़ की कीमत की 120 किलो हीरोइन जब्त की, साथ ही साथ 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। आपको तफसील बता दें कि गुजरात की मोरवी ज़िला के झिंझोड़ा गांव में एटीएस ने छापा मारा, जिसमें एक घर से 600 करोड़ की कीमत का 120 किलो हीरोइन जब्त किया। साथ ही साथ पाकिस्तान से आने वाली ये नशा आवार चीज़ों को लाने वाले 3 शख्स को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें से एक का नाम मुख्तार हुसैन उर्फ जब्बार जोड़िया, दूसरा शमशुद्दीन हुसैन सैयद और तीसरा गुलाम हुसैन। इनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। इस बीच और जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के समुद्री रास्ते से ड्रग पहुंचाने वाला शख्स जाहिद बशीर बलोच, ये उस शख्स का नाम है जिस पर और भी इस तरह के कई केस दर्ज किए गए हैं, क्योंकि इससे पहले भी पकड़े जाने मुजरिम जो गिरफ्तार हुए थे उन्होंने जाहिद बलोच का खुलासा किया था और उन्होंने बताया था कि यही वो शख्स है जो हिंदुस्तान में गुजरात के समुद्री रास्ते से ड्रग भेजने का काम करता है। गुजरात समुद्री बॉर्डर पर ड्रग लाना और ले जाना ये पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी कई बार समुद्री रास्ते से न जाने किन किन चीज़ों को हिंदुस्तान में पहुंचाया गया और नशे का कारोबार करने वालों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। इस सिलसिले में हम कुछ नौजवान से भी मुलाकात की है, तो आइए हम चलते हैं मयूरेश पाटिल, जो नौजवानों की धड़कन है, उनसे बात करते हैं नशे को रोकने की और उसकी रोकथाम की जो काम होना चाहिए उस पर एक नज़र डालते हैं और बात करते हैं मयूरेश पाटिल से। भिवंडी शहर में यंग जनरेशन, आप भी यंग हो और यंग जनरेशन में जो है नशे की जो आदत है, नशे की जो वो है मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए मयूरेश पाटिल कुछ करेंगे? देखो मेरा एक पेशा है वकीली और उस वकीली पेशा में अनेक ऐसे किस्से देखता हूँ जो यंग पीढ़ी में नशे में धुंध हो चुकी है, इसमें कोई दो वाली बात ही नहीं है। और गलतियाँ माँ बाप की भी हैं और दोस्तों की भी है कि दूसरी व्यक्ति यहाँ पे नशा प्रसारित कर, ऐसा कह सकता हूँ मैं। इसकी रुकावट के लिए तो एक ही चीज़ कह सकता हूँ मैं कि खुद ही निर्भर रहना पड़ेगा। हम किसी को रोकने जाएंगे तो इंसान 10 दिन रुकेगा, पर वो खुद को रोकेगा तो ज़िंदगी भर रुक जाएगा। तो ये जो नशे की आए इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बट नशा जो है वो रोकना मेरे अकेले की बात नहीं, बट जनरेशन के युवा नेतृत्व का, मैं अकेला नहीं बट शहर में जितने भी अलग अलग एरिया में जो युवा नेतृत्व करते हैं लोगों की भलाई के लिए सोचती है, उन्होंने पुलिस से संपर्क में रहकर, एनजीओ से संपर्क में रहकर ऐसे जो लोग जो गलत राह पे जा रहे हैं उनको कैसे रोका सकते हैं उसकी उपाय योजना करनी ज़रूरी है। आपने सवाल मुझे किया कि कैसे रोक सकते हैं, रोकना इतना आसान नहीं है, उसके लिए अलग उपाय योजना करनी पड़ती है। जब तक कोई नशे के धूप में जो यंग पीढ़ी है जब तक वो जेल की हवा खाते नहीं, उनके दोस्त उनको जेल की हवा देखते नहीं हैं, तब तक वो डर नहीं बैठेगा। बेचने वाला बेचते रहेगा, खरीदने वाला खरीदते रहेगा, पर सज़ा जब तक होगी नहीं तब तक उसका डर लोगों में पैदा होना मुमकिन नहीं होगा। तो डर बैठना चाहिए मेरा मानना है। आपकी तरफ से कोई ऐसे कदम उठाए जाएंगे इस तरह सिलसिले में? ज़रूर, मैं जो पेशा कर रहा हूँ उस सिलसिले में उसके थ्रू मैं ये कोशिश रहेगी मेरी कि इंसान को जेल की हवा मिलनी चाहिए इस सिलसिले को लेकर।
जब तक जेल का हवा, जेल का डर नहीं बैठता, पुलिस का डर नहीं बैठता, प्रशासन का डर नहीं बैठता, तब तक ये चीज़ें मुमकिन नहीं होगी, मेरा यही मानना है। और इसी में मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं समाज सेवा के थ्रू लोगों में प्रसारित करते रहूँगा और जन जागृति करते रहूँगा कि गलत राह में जाने से अच्छा इंसान यंग पीढ़ी ने काम करना चाहिए, मेरा यही मानना।